तो क्या कुछ जानकारी है इस भैंस की? बता भाई, सेकंड टाइमर जोटी है जी, आज 15 दिन की ब्याई है। हाँ, और 19 किलो दूध है। 19 किलो तैयार है। मैं 18 बताऊं, कट्टे का है लीटर में भाई? कट्टे डालो, चल लीटर ला लो, कट्टे का लगा लो, लीटर में लगा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भाई जो भाई लेगा, लेना होगा तो दो टाइम से तीन टाइम अपना क्यों तो लियो। ठीक है, बेटा भरूंगा। पाछली भैंस गई, वो अभी तीन टाइम दूध दिखा के वीडियो में दिखा दी, उसके बाद तीन टाइम फिर दिखाया है जी जी फोन पर जब लेके गए। और भाई संदीप किसान अच्छी लग गए ना, खूब दो टाइम तीन टाइम अपनी चवाई करके ले जाए, कमेंट में कुछ ना दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेहनत लग गया भाई, दूध ना बनता। सही बात है। हाँ, पहला तो भाई किसान मेरे शब्द गलत लग गए ना, तो उन खातर माफी है। ठीक है, तो हम अपने शब्द वापस लिया हैं। दूसरी बात है, ना तो मैं इस दूध न तोल लूं, ना मैं इसने काटे बदरूं। ठीक है, किसान भैंस अच्छी लग गए ना, 10,000 रुपये किलो का हिसाब में आकर अपना काटा कर ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने सेकंड लैक्टेशन की सुपर मुर्रा बफलो आप यहां पे देखिएगा। मैं कहूँगा अर्डर, ऐसा अर्डर रेयरस्ट ऑफ द रेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 4x4 पे जो टिट स्पेसिंग है, फुट की जो टिट स्पेसिंग है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। थनों का गैप जबरदस्त है। साथ में मैं कहूंगा आर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन है, प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स हैं उनको कम्प्लीटली डिफाइन करता हुआ। दूसरा नीचे सोने पे सुहागा कटड़ी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी जो झोटी है, सेकंड टाइमर झोटी, तो एक समय की मिल्किंग भी रेफरेंस के लिए दिखाएंगे। मोटी मोटी नसे आर्डर में आप देख सकते हैं। एक ही लोकप्रिय चेहरे आज की स्पेशल वीडियो है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है बागपुर, सौरव धनकर डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं अश्वनी भाई। देखें जितनी बार भी भाई ने पशुधन दिखाया है, हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा करने का भाई का प्रयास रहता है। तो सीधा लेकर के चलेंगे और पशुधन की जो डिटेल्स है बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। अश्वनी भाई नमस्कार है। नमस्कार भाई संदीप, सबसे पहले तय दिल से धन्यवाद, और जितने आपकी भाई वीडियो देख रहे हैं सारे भाइयों ने राम राम। जी जी, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो पिछली वीडियो का पशुधन जो हमने वीडियो कवर किया, तीसरे दिन चला गया था। ठीक है जी, तो कहाँ के लेकर के गए? गोवाना गई, गोवाना साइड। बिल्कुल ठीक है। आज एक ही भैंस है अश्वनी भाई अपने भाई? एक ही भैंस है, आशीष भाई गया हुआ है लेने के शायद लिए। आज शाम तक दूसरी भैंस भी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो क्या कुछ जानकारी है इस भैंस की? भाई सेकंड टाइमर जोटी है जी, आज 15 दिन की ब्याई है। हाँ, और 19 किलो दूध है। 19 किलो तैयार है। मैं 18 बताऊं, कट्टे का है लीटर में भाई? कट्टे डालो, चल लीटर ला लो, कट्टे का लगा लो। हाँ, लीटर में लगा लो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और भाई जो भाई लेगा, लेना होगा तो दो टाइम से तीन टाइम अपना क्यों तो लियो। ठीक है, बेटा भरूंगा। पाछली भैंस गई, वो अभी तीन टाइम दूध दिखा के वीडियो में दिखा दी, उसके बाद तीन टाइम फिर दिखाया है जी जी फोन पर जब लेके गए। तो अश्वनी भाई पिछली वीडियो में काफी भाइयों के ना कमेंट्स भी थे। हाँ जी, के इनको पहले दूध मापना सिखा दो, झाग में लीटर भर के दूध माप रहे हैं ऐसा है। लेकिन आप बता रहे हो कि अगला तीन से मैं दूध माप के ले गया, तो उसमें तो कोई रोला ही नहीं किसी तरह का। एक चीज है, है ना, मैं फालतू बक बक तो करूँ नहीं, मन ना काम करना है। बिल्कुल, काम करके दिखा रहा हूँ, जिसका पेटा भरागा वो आओगा। बिल्कुल सही बात, वही बात है, 70 का बाजार है। जी जी जी, ठीक, अच्छी चीज आए। ठीक से मारे तो एक महीना हो गया भैंस ने ब्याई ने, बेरा ने क्यों हो गया उसके, तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले। ऐसा कर, तू ही पूछ के बता दे उन ते। हाँ मैं बुझू, सुनो के ए बावली, देनू केल जेल दो भैंस ताई, दूध दे दूध और 24 घंटे में सर। देनू केल जेल? हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए देनू केल जेल दुग्ध विकास के लिए प्रमोट करके लिया हूँ। हाँ हाँ, माड़ी चीज ना लिया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर माड़ी लेना की 8 शेरी 10 शेरी मैं ना ले रहा। हाँ हाँ, 15 तो ऊपर रखूँ सारी जो। जी जी, तो देखिएगा जी, हमारा प्रयास, हमारा काम है एक समय की मिल्किंग आपको दिखाने का, और वो मिल्किंग भी आपको दिखाएंगे सेकंड टाइमर छोटी विद सुपर क्वालिटी, और 15 दिन की ब्याई हुई है। नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी आपको देखने को मिलेगी, कटड़ी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये आप देखिएगा हष्ट पुष्ट हेल्दी जो काफ है, तंदुरुस्त काफ इसमें आपको देखने को मिलेगा, और चेहरे मोरे की बनावट आप देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज का पशुधन है, ना हाइट ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल साफ सुथरा जो पशुधन है। पीठ की क्वालिटी आप देख लीजिएगा, और पूंछ में नाम मात्र के जो सफ़ेद बाल हैं वो देखने को मिलेंगे। बात करें अर्डर क्वालिटी की,
तो मैं कहूँगा फुट फुट पे जो थनों का गैप है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, फोरहेड से ले लीजिएगा। साइड की टिट स्पेसिंग आप देख लीजिएगा, पीछे की जो टिट स्पेसिंग, पैरों के बीच का भरा पूरा आर्डर और स्किन में जो शरीर में भी मोटी मोटी नसें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अश्विनी भाई खाने पीने में कैसी भाई है? खाने पीने में बढ़िया है, लेकिन उस बात का मैं भी एक जवाब दूँ, जिस तरह वो कहे है ना भाई कमेंट कर दे हैं दूध तोलना शिका दे, वह आदमी कमेंट करेंगे जिसका घर नहीं खोली बिना बंद, ठीक है, बांध के देखो और दूध तोल के देखो। हाँ। जब बेरा पट्टिया करे जहा के ऊपर बने हैं, हाँ। दूध के ऊपर लकड़ा है, दूध के ऊपर बनाया जाए, जी 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 जी। डांगर गैल डांगर होना पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को बहम हो जब पशु दूध काट। फिर अश्विनी भाई यहाँ पे हमें इतना टाइम हो गया वीडियो कवर करते हुए, काटे पे भी दूध हमने तुलवाया, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हम डब्बे मापते आए हैं, सारी चीज है ना ठीक है। आज ये काटा था पहले टाइम पर दूध या दूध क्या ले जाया करते, डल्लुम दूध ले जाया करते, चलो समय अनुसार भाई जो स्थिति बदल, समय के अनुसार बदलना भी चलना भी पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कट्टे तो कट्टे पर रख दे, डल्लू का ले, बिल्कुल बिल्कुल। दूध ये बेकूफ कौन है, आज भी गांव में दूध ये डल्लू से दूध लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी कभी कोई भी दूध या पूरा हरियाणा ला ले तो कहीं भी बाहर ला ले तो कोई डेयरी वाला हो कोई कट्टे से दूध नहीं देता, जी जी डल्लू का दूध देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो समय अनुसार है, पिछला कुछ था भाई अब कुछ चल रहा है, हाँ हाँ। कोई भाई कट्टे देखो तो कट्टे पे तैयार है, सारी चीज है बिल्कुल। लेकिन आदमी कमेंट वो करेगा जिसका घर ना खोली ना बंद, कोई बात नहीं। तो देखो जी सेकंड टाइमर झोटी है, जबरदस्त ऑर्डर क्वालिटी में दूध दिखा दें फिर एक साथ, बिल्कुल दिखा दें संदीप भाई ठीक है। सेकंड टाइमर झोटी रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग वीडियो है वो पशुपालकों को दिखा रहे हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि आग्रह इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना मानिए, बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि हमारा काम है आपको धारचुआई दिखाने का, थनों का पोसाव है वो दिखाने का। और कोई भी पशुपालक है खुद आए अपने हाथों से दो से तीन समय का जो दूध है उसको देख करके जांच परख करके ले जाए वो सबसे बेटर ऑप्शन है। तो कटड़ी नन्ही फीमेल काफ आप नीचे देखिएगा दूध यहाँ पे पी रही है। तो थनों का पोसाव है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जबरदस्त जो थनों के कूप हैं वो इसमें निकल करके आए हैं, चारों थन बिल्कुल अलग अलग न्यारे न्यारे जो हैं, गैप आप देखें 100 में से कोई एक आध झोटी इस तरह की निकल करके आती है, इतना जबरदस्त जो गैप है देखने को मिलेगा। संदीप मैन बात क्या थी, अगर टाइम लगता है तो भैंस पाव उसके खड़ी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल, और स्पष्ट दिखाई भैंस ही पाव आई, कोई बात नहीं। तो आप ना खाली बाल्टी दिखा के एक बार दोनों अगले थनों की धार सुनी भाई, फिर पीछे वालों की, ये खाली बाल्टी देखो इकट्ठी, पिछले मारूं भाई, हाँ पीछे वाले और तो देखो जी धारचुआई है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो सभी पशुपालकों से एक ही गुजारिश, एक ही जो आग्रह है मैं करना चाहूँगा कि अपना खुद आए पशुधन को देख जांच परख करके ले जाएं, हमारा काम है सिर्फ मिल्किंग के माध्यम से दूध दिखाना, थनों का जो पोसाव है वो दिखाना, धारचुआई है वो दिखाना। आगे जितना फर्ज जितनी ड्यूटी हमारी बनती थी उससे ज़्यादा कहीं फ़र्ज उससे ज़्यादा कहीं ड्यूटी आप लोगों की भी बनती है। तो आशीष भाई आ गए हैं, दूध वही निकाल देंगे, आगे आगे आ जा आ जा शेरे जल्दी आ जा दौड़ का। और आशीष भाई मिली भैंस हैं ले आए, ठीक है ले भाई थोड़ा साइड ओके। तो अंगूठे का और मुट्ठी का दूध निकालने का इतना फर्क है, और फिर से जो है चुआई वगैरह वो देखो जी भाई का जबरदस्त तरीका है, बाल्टी लगभग फुल हो जाएगी, रेट है वीडियो के लास्ट में कंफर्म करेंगे। Thank you.
दार दूर दिखा दी थी। हाँ जी, दूसरी बाल्टी ले आई, दूध नहीं आऊंगा। ले अश्वनी भाई। शांत क्या दौर है संदीप? तो देखो जी, भाई का दूध निकालने का तरीका काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी जो चुवाई है वो कर रहे हैं। मुट्ठी के धारिये हैं और एक एक नसें आप देख लीजिएगा आर्डर में, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो नसें हैं वो आपको इनमें देखने को मिलेंगी। फिल्म है आशीष, थोड़ा साइड हुई है। बस तो एक बाल्टी है लगभग फुल हो चुकी है, दूसरे वाली बाल्टी और खाली बाल्टी दिखा देना अश्वनी भाई नीचे करके। हाँ ठीक है, यहीं रख लो, यहीं रख ले इस पे। हाँ हाँ ठीक है। धारा की आवाज सुने हमने? बिल्कुल। बाल्टी में धुम्मा मचा दे है। बाद में बच्चा छोड़ दे आशीष भाई। सारा ही काट के देखा है हमारे।
लड़ा जरूर दिखाइए भाई। ठीक है सुनिए आशीष भाई। अरे भाई संदीप किसान अच्छी लागे ना, खूब दो टेम तीन टेम अपनी चवाई करके ले जाए, कमेंट में कुछ ना दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेहनत लागे भाई, तो दूध ना बनता। सही बात है। हाँ छोड़ में बैठ के गुदड़े हम लौट के तो कोई भी कोई कमेंट कर ले। तो सबसे पहले जो ऑर्डर का झड़ाव है वो आप देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार। और तो दोनों बाल्टियों में दूध आप देखो जी, काफ़ी अच्छी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता, सेकंड टाइमर झोटी है। कितना दूध होगा आशीष भाई अपने आपके हिसाब से, आपका तो रोज का काम? पहली बात तो एक भाई देख, थोड़ा मैं कई दिन हो लिए बोलता को नहीं वीडियो में, मैं वीडियो देखू हूँ ठीक है। पहला तो भाई किसी ने मेरे शब्द गलत लागे ना तो उन खातर माफी है ठीक है, तो हम अपने शब्द वापिस लिया हैं। दूसरी बात ना तो मैं इस दूध ने तोल लूँ, हाँ ना मैं इसने काटे बदरूं ठीक है। किसान भैंस अच्छी लाग गन है, 10,000 रुपये किलो के हिसाब में आकर अपना काटा कर ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे। सिंपल बात, सही बात। जब मेरी का 12 किलो है तो 1,20 ले जाएंगे, जब मेरी का 1 किलो दूध है तो 10,000 की ले जाएंगे। सही बात, काटा बदर के। और ऊँ किसान इसका मोल है 1,70,000 रुपये। 70,000 बहुत बढ़िया, तो वैसे भी कोई कमी नहीं है, 1,70,000 रुपए में 18-19 किलो दूध की भैंस कौन दे देगा, कोई नहीं देगा। गलत नहीं भाई ये रेट? बिल्कुल बिल्कुल। और जैस तभी किसान नीचे रेट में थे ना अपनी दूध भी लें भाई। सही बात है। तो मान सम्मान की इसमें कोई गुंजाइश है? ना इसमें कोई गुंजाइश नहीं है भाई, बेशक फोन मत करियो। ठीक है, तो चलिए आशीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो तोलन की जरूरत है भाई, इसमें जगूड़ से इसमें, अरे कोई दिक्कत छोड़ी इसने ना, तो इसमें जगूड़ है भाई। हाँ हाँ इसमें भी जगूड़ से ठीक है। के बेरा मैंने एक एक बलान जगूड़ था रखे हूँ भाई। हाँ 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 अपना काटा गैल ले आऊंगे। जी 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 जी। जहर किलो की दूध की भैंस होगी, 2 किलो है तो 20,000 की ले जाएंगे। और जय मेरी का 17 है तो 1,70 की ले जाए, मेरी का 20 से तो 2 लाख की ले जाए। सही बात है भाई। संदीप भाई जी, वो जो भाई का था ना दूध तोलना सका है, बता दिन दूध है मेरा, दूध का काम से 4 साल हो गया मैंने ऊपर दूध तोला। कोई बात नहीं आशीष, उसके तो ऑर्डर का झड़ाव सबसे पहले आप देखिएगा, जबरदस्त झड़ाव, 1,70,000 रुपए बिल्कुल रीजनेबल सा। मैं एक चीज बताऊं संदीप, ये तो बड़ी बात करता हूं जी, तीसरा ब्यात में 23-24 किलो दूध की खुली रोटी है आराम से ठीक, और नीचे कटड़ी। हाँ ठीक है, खुट्टे है काट रही है थना का है, बिल्कुल ऐसा गैप मिलेगा ही नहीं कहीं। बस ठीक है जी। तो चलिए आशीष भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद। और सेकंड टाइमर झोटी है, 1,70,000 रुपए कीमत फाइनल प्राइस है, जो संपर्क है। सींग उसा को ना संदीप ना, मैं भी 5 लाख सींग भी ज्यादा बुरा नहीं है, बुरा नहीं है जो इसका न्यू सींग हो ना, तो संदीप मैं भी 5 मांगू है भाई। ठीक है, तो संपर्क सूत्र रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट झज्जर का, गांव है बागपुर। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।